ओके सो रिलेटिव एडवर्ब इज एज आई टोल्ड यू बिफोर, रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है एडवर्ब का, कि दैट इज मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ योर वर्ब. जो आपका वर्ब है उसका मीनिंग मॉडिफाई हो रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, आपके सब्जेक्ट में जो सॉरी सेंटेंस में जो एंटीसिडेंट है उनको भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. नाउ मैंने कहा था कि आप एंटीसिडेंट के बारे में पढ़ के आए, सो व्हाट कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द एंटीसिडेंट. एक सेंटेंस में एंटीसिडेंट किसको कहेंगे? Can anyone explain me what is the antecedent, or should I explain? Okay, so seeing that as you are not responding, I'm taking key. Antecedent, कोई समझ आ सकता है मुझे क्या होता है? Long time. Sorry? किसी अन्य घटना से पहले होने वाली घटना, a thing or ever experience or come before another and may have influenced it. That can be the meaning, but यहाँ पर antecedent जो है वो event को नहीं कर रहा है, वो एक word को refer कर रहा है. Okay, in this part जो हम अभी study कर रहे हैं, since we are studying the parts of speech, तो यहाँ पर antecedent जो है वो एक वर्ड को रेफर कर रहा है. दैट सिंस आपने क्या कहा किसी एंटीसिडेंट से होने वाले पहले वाले वर्ड, तो वहीं पर एंटीसिडेंट यहाँ पर क्या होगा, जो रिलेटिव एडवर्ब के पहले आने वाले वर्ड हैं. ओके, दोज वर्ड्स आर नॉट योर सब्जेक्ट, दोज वर्ड्स आर नॉट योर वर्ब, दोज वर्ड्स आर योर एंटीसिडेंट दैट जस्ट कम बिफोर योर रिलेटिव एडवर्ब. एडवर्ब आपका जो सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब रहेगा उससे पहले आने वाले जो वर्ड्स हैं, इसमें फैमिली एंसेस्टर्स ये भी तो हो सकता है ना? सॉरी, क्या हो सकता है? फैमिली एंसेस्टर्स. फैमिली नहीं नहीं एंसेस्टर्स होता है, एंटीसिडेंट्स आर वो अलग चीज है. इस पार्ट में आप लिटरेचर का जो ये स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच जो आप पढ़ रहे हैं, रिलेटिव एडवर्ब रेफर बैक करेगा तो वो ancestors refer back नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर बस एक word है जो relative adverb जहाँ sentence लगा है उससे पहले लगता है. Okay, that word that is present before the relative adverb, that is not your subject, not your verb. आपका subject नहीं है, वो verb नहीं है, वो जो भी word रहेगा आपका relative adverb से पहले उसको आप antecedent बोलेंगे. Okay, for example, example से देख लीजिए, it will be easier for you to understand. I remember the house where he lived. अब यहाँ देखिए where से पहले क्या आ रहा है, where is your relative adverb. Why मैं समझाती हूँ, पहली बात तो यहाँ पर where जो है, ठीक है, I remember the house. This is the one part of your sentence, ठीक है, जो आपका subject क्या कर रहा है कि वो कहाँ, उसको एक घर याद है जहाँ कोई रहता था. His friend might be residing there, family member might be residing. Somebody lived there. ठीक है, कोई वहाँ पर रहता था जिस जो घर उसको याद है. So this is the main part of your sentence. I remember the house. ये main काम हो रहा है कि वो याद कर रहा है. ठीक है. Now किसको याद कर रहा है? वो house को याद कर रहा है जहाँ वो रहता था. यानी कि ये चीज जो ये part है, where he lived. That is, ये पूरा पार्ट ही आप समझ लीजिए कि ये पहले पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. फर्स्ट पार्ट इज आई रिमेम्बर द हाउस, अब सेकंड पार्ट है वेयर ही लिव्ड. तो सेकंड पार्ट जो है वो किसके बारे में बता रहा है? पहले वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहा है. आई रिमेम्बर द हाउस इज इनकम्प्लीट इफ आई राइट दिस. हालांकि ये टेक्निकली आप कह सकते हैं कि आई रिमेम्बर द हाउस इज अ सेंटेंस. ठीक है, ये सेंटेंस जो है टेक्निकली सिमेंटिकली करेक्ट होगा अगर मैं यहाँ पर वेयर ही लिव्ड ना लगाऊंगा, बट नॉट कम्प्लीटिंग एनी मीनिंग और गिविंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस टू यू. राइट, यहाँ पे मीनिंग कम्प्लीट नहीं हो रहा है. तो टू रिफ्लेक्ट बैक यानी कि उसके बारे में कुछ बताने के लिए वी आर यूजिंग दिस पार्ट.
वेयर ही लिव्ड. नाउ किसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वेयर, वेयर आपका कैसे है, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था वो घर मुझे याद है. दैट मींस द वर्ब दैट इज डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग द वर्ब, सेंटेंस का जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है. सो दैट इज द रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब से पहले आने वाला वर्ड क्या है, हाउस, दैट इज योर एंटीसिडेंट. एंड वेयर जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन से वाले वर्ब को. देयर आर टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, एक रिमेम्बर भी है एक लिव्ड भी है. वेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, विच वर्ब इज इट मॉडिफाइंग, इज इट मॉडिफाइंग द रिमेम्बर वर्ब और द लिव्ड वर्ब. किसको मॉडिफाई कर रहा है ये, ओके. आई डोंट थिंक आई नीड टू रिमाइंड यू दिस, बट व्हेन द रिकॉर्डिंग वाज गोइंग ऑन योर चैट बॉक्स इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड, सो ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास. ओके, अगर आपको आंसर करना है देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग. वेयर जो है वो किस पार्ट को, किस वर्ब को रेफर बैक कर रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है. वो मॉडिफाई करेगा तभी तो एडवर्ब कहलाएगा. एडवर्ब का क्या डेफिनेशन है, दैट इट हैज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और क्लॉज इन दिस सेंटेंस. सो विच वर्ब इज द वेयर मॉडिफाइंग. यहाँ पर वेयर जो है वो आपका रिलेटिव एडवर्ब है, लिव को मॉडिफाई कर रहा है या रिमेम्बर को. सलोनी बच्चे आपको आंसर करना है तो अनम्यूट रखिए, अदरवाइज म्यूट करके रखिए. यस गौरव, अंकु सामने लिखा हुआ है फिर भी यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग. यहाँ पे वेयर जो है, बताइए मैम. सी इन दिस सेंटेंस आई रिमेम्बर द हाउस वेयर लिव्ड, यहाँ पर वेयर जो है वो आपका रिलेटिव एडवर्ब है. ओके, now and by the definition of antecedent, relative adverb ke aane wala pehla verb antecedent hai. So this house, yahan par jo house likha hai wo aapka antecedent hoga. Na yahan pe do verb hain, theek hai, is sentence mein do verb hai. I remember the house where he lived. Remember bhi ek verb hai, lived bhi ek verb hai. तो किस वर्ब को वेयर मॉडिफाई कर रहा है, ये जो वेयर रिलेटिव एडवर्ब है ये किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ भी है फिर भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो. हेलो मैम, अच्छा आवाज आ रही है. हां यस यू आर ऑडिबल. क्या क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन ये है कि लिव्ड जो है दैट इज वन वर्ब, रिमेम्बर इज आल्सो अ वर्ब, दोनों वर्ब में से किस वर्ब को, ये जो रिलेटिव वर्ब है वेयर, किसको मॉडिफाई कर रहा है. There are two. मैम वेयर को कर रहा है, पहले आ रहा है मैम. जो पहले आ रहा है. Yes. नहीं नहीं, where is your relative adverb? तो वो remember को modify कर रहा है. That is what you are saying. So
सी द थिंग इज कि आई रिमेम्बर द हाउस, तो वो रिमेम्बर कर रहा है, ठीक है, क्या रिमेम्बर कर रहा है, दैट समवन ही न्यू लिव्ड इन दैट हाउस, कोई जानता था उसको, वो ये रहता था वहां पर, जिसको वो जानता था वो उस हाउस में रहता था. तो फॉर रिमेम्बर, जो रिमेम्बर है उसका मॉडिफिकेशन अगर आप चाहेंगे तो ये पूरा फ्रेज है वेयर ही लिव्ड, ये पूरा फ्रेज रिमेम्बर को मॉडिफाई कर रहा है, और वेयर जो है वेयर लिव्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ जो लिव्ड आपका सेकेंड वर्ब आ रहा है उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ब है, एडवर्ब है वेयर, रिलेटिव एडवर्ब दैट इज मॉडिफाइंग द वर्ब इज, कौन सा वर्ब मॉडिफाई कर रहा है, लिव्ड मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि कहाँ रहता था, वेयर ही लिव्ड, दैट मीन्स ही लिव्ड जो है वेयर उसके बारे में बता रहा है, ठीक है. तो मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो सेकेंड वर्ब का हो रहा है, वेयर इज योर रिलेटिव एडवर्ब, एंड बाई डेफिनेशन द वर्ड दैट इज कमिंग बिफोर योर रिलेटिव एडवर्ब इज योर एंटीसिडेंट इन द सेंटेंस. ओके, नाउ फॉर यहाँ पर आपको कॉमनली यूज एडवर्ब हैं जो रिलेटिव एडवर्ब में यूज होते हैं, दैट इज व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. Now, if you look carefully, all these words are basically that are used to form questions. Basically, yes, Saloni. Ma'am, एक question है. Ma'am, ऐसे तो sentences में सारा word interrelated होता है, means सबके साथ conjoin होने से ही meaning निकलेगा. तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यही related adverb होगा और ये नहीं होगा? अच्छा, हाँ वही चीज मैं बता रही थी अभी. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी वर्ड आपको मिल रहे हैं कॉमनली यूज रिलेटिव एडवर्ब के लिए, दीज आर ऑल टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, राइट. अब ये सारे वर्ड किस लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक पार्शियल स्टेटमेंट है जिसके बाद वो वर्ड बताया जा रहा है, यानी कि जो रीजन है एक तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है. इफ आई से कि दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू स्टडी, तो वो विच जो है, ठीक है, जैसे मैंने समझाया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन में, अगर मैं कंपेरिजन कर रही हूँ किसी दो चीज का कि द क्लाइमेट ऑफ पटना इज मोर अग्रीएबल टू मी देन दैट ऑफ गया, मतलब क्लाइमेट जो है पटना का और क्लाइमेट जो है गया का वो कंपेयर हो रहा है, तो कंपैरिजन में इधर आई एम राइटिंग बोथ द साइड की क्लाइमेट ऑफ पटना एंड क्लाइमेट ऑफ गया व्हाइल आई एम कंपेयरिंग, और आई कैन रेफर इट विद यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक दैट विच दिस, वो सारे जो वर्ड्स थे उनको यूज करके मैं रिलेट बैक या रिफ्लेक्ट बैक कर सकती थी. तो वहां पे दैट किसको रिफ्लेक्ट बैक करता था, द क्लाइमेट, द एट्रीब्यूट दैट वॉज बींग कंपेयर्ड. यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्शियल सेंटेंस है जिसका अगर आपने कुछ आगे नहीं लगाया तो वो कुछ खास मीनिंग नहीं बताता है. जैसे इफ आई ओमिट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, आई रिमेम्बर द हाउस, इसमें आपको बस इतना बताया जा रहा है कि someone might be standing in front of some house and उसको वो घर याद है, ठीक है, क्यों याद है, कब के टाइम से याद है, वट एवर इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू गेट द होल स्टोरी वो नहीं आपको पता चल रही है. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज नॉट कन्वेइंग फुल मैसेज, जो पूरा मैसेज आपका रीडर या सॉरी राइटर या फिर जो स्पीकर बोलना चाह रहा है वो पूरा मैसेज नहीं कंटेन करता है. द सेकेंड पार्ट कंटेन्स द यू कैन से द मीनिंग दैट विल कंप्लीट द फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड पार्ट में वेयर ही लिव्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसा मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे आपका पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है. रिफ्लेक्ट बैक अगर आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता चले कि रिफ्लेक्ट बैक किस पे कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट बैक वो जो है एंटीसीडेंट पे कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर साफ लिखा गया है कि रिलेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज वर्ब but also refer back to the antecedent, and by definition antecedent means which comes before. yahan likha gaya hai sorry
यहाँ लिखा गया है कि एंटीसिडेंट का मतलब क्या होता है कि विच कम्स बिफोर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसिडेंट, तो किसके बिफोर ये डिफर करता है, ठीक है, कोई इंसिडेंट के बिफोर हो सकता है, कोई सेंटेंस के बिफोर होता है, वॉट एवर बिफोर है वो आपको नहीं पता था। एंटीसिडेंट के मीनिंग जानने के बाद आपने क्या देखा कि क्या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, पहले तो रिलेटिव एडवर्ब रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब ये हुआ कि पहले एंटीसिडेंट आया उसके बाद वर्ब आया, सॉरी एडवर्ब आया, पहले एंटीसिडेंट प्रेजेंट होगा तभी तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा सेंटेंस में, तो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है दैट मीन्स आपका जो एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, उससे पहले, ठीक पहले एंटीसिडेंट। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, देर आर थ्री एग्जाम्पल्स मोर बिलो, ठीक है, नीचे और तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों में आप ध्यान दीजिए जहां आपका एंटीसिडेंट है उसके तुरंत बाद आपका रिलेटिव एडवर्ब है, या फिर जहां आपका रिलेटिव एडवर्ब है उससे तुरंत पहले आपका एंटीसिडेंट है। सो द वर्ड दैट कम्स बिफोर द रिलेटिव एडवर्ब इज कॉल्ड एंटीसिडेंट, तो वो उसी को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। नाउ अगर ये पूछना चाहते हैं कि किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, दैट मीन्स विच वर्ब इज बीइंग मॉडिफाइड, बिकॉज ये भी आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल में देर आर ऑलवेज टू वर्ब प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट है, आई नो द होटल वेयर शी लिव्स, नो भी आपका वर्ब है, लिव्स भी आपका वर्ब है, टेल मी द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, टेल भी आपका वर्ब है, अराइव भी आपका वर्ब है, सो देर आर ऑलवेज टू वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस, बट किसका मॉडिफिकेशन करेगा, द सेकेंड वर्ब, जो सेंटेंस में हमेशा जो सेकेंड वर्ब प्रेजेंट है, यहाँ पर आई नो द होटल वेयर शी लिव्स, लिव्स को मॉडिफाई कर रहा है, वेयर द रीजन वाई शी लेफ्ट, लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है, वाई दे टेल मी द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, व्हेन, सो द सेकेंड वर्ब दैट कम्स इन द सेंटेंस विल बी मॉडिफाइड बाय द रिलेटिव वर्ड एंड सॉरी रिलेटिव एडवर्ब एंड द वर्ड दैट कम्स बिफोर द रिलेटिव एडवर्ब इज योर एंटीसिडेंट। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? No, ma'am. Okay. Then जो चीज मैं बता रही थी कि ये सारे जो words हैं, what, when, where, why, ये सारे question के लिए use होते हैं। यहाँ पर question क्यों नहीं पूछा जाएगा? Question इसलिए नहीं पूछा जाएगा because first thing they are to reflect back, ठीक है? उनको पहले किसी चीज की बात की गई है उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना है। दूसरी चीज यहाँ पर एंटीसिडेंट का जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एंटीसिडेंट का डेफिनेशन है दैट इट कम्स बिफोर द रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब से पहले आ रहा है तो बहुत चांसेस में आप कह सकते हो कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं होगा। व्हाट इज योर नेम, व्हेन Are you coming? बैक साइड वर्ड से, ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई स्टार्ट होगा क्वेश्चन, तब ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा। इफ योर क्वेश्चन, इफ योर सेंटेंस और क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो वो कौन सा एडवर्ब हो जाएगा फिर? इंटरोगेटिव एडवर्ब, नेक्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा व्हेन these words, these same words, why, when, where, why, how, ये सारे questions जो हैं, ये सारे questions अगर आपके starting में आ रहे हैं, that means there is no word present before your adverb, तो antecedent नहीं present है वहाँ पर, अगर adverb से पहले नहीं आया तो, that means relative adverb हो नहीं सकता है, because relative adverb के लिए उनको antecedent चाहिए, तो जब relative adverb, जब antecedent present ही नहीं है, तब ये सारे वर्ड जो रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे, एंड वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के बाद ये कौन से एडवर्ब बन जाएंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब, एंड यू कैन गो थ्रू विद द एग्जांपल्स, एंड आपको पता चल जाएगा एग्जांपल से ही कि एग्जांपल्स में देखिए जितने भी सिंपल एडवर्ब के टाइप्स थे, मोस्ट ऑफ द सिंपल एडवर्ब टाइप उनके क्वेरीज में यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। व्हेन डिड ही कम, इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा,
दैट ही केम लेट ठीक है, और ही केम एट 9:30 he went out ठीक है, ये सारे. तो went out का क्या आंसर हो, क्वेश्चन क्या होगा, where did he went, तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर से आपको क्या मिलेगा, सिंपल एडवर्ब के टाइप्स मिलेंगे ठीक है. अगर टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू कैन से ड्यूरेशन बता रहा है या रिपीटेशन बता रहा है, नंबर बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ नंबर्स और फ्रीक्वेंसी ठीक है. तो ये सारे जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव एडवर्ब के, इनके आंसर्स आपको सिंपल एडवर्ब बनाएंगे, वहां पर आंसर्स में सिंपल एडवर्ब के टाइप मिल जाएंगे. और ये क्वेश्चंस बिकॉज दे आर स्टार्टिंग, यानी कि इससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा है, व्हेन से पहले कुछ भी नहीं है, व्हाई से पहले कुछ भी नहीं है, सो दीज आर द स्टार्टिंग, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ योर सेंटेंस देन इट बिकम्स योर इंटरोगेटिव एडवर्ब. यहाँ पे नोट में लिखा है, यू कैन रीड इट, द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब आर आइडेंटिकल. If there is no antecedent, the adverb is interrogative adverb, not a relative adverb. Understood? समझ में आ गया सबको? कोई doubt interrogative or relative में? No, ma'am. Okay, then moving on, हम ये पढ़ लेते हैं conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs क्या होते हैं? Conjunctions पता है आपको? कंजंक्शंस पता है आपको? व्हाट इज अ कंजंक्शन? डेफिनेशन नहीं पता, एग्जांपल बता दीजिए कंजंक्शन क्या होता है. मैम जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन. Yes, the words or you can say something that is used to join two sentences. And ho gaya, or ho gaya, but ho gaya. These are all conjunctions. Okay. So conjunctive adverbs kya hote hain? Ye aapko example mein dikhe gaye hain ki what are regularly, you can usually use as the conjunctive adverbs are therefore, however, moreover, nevertheless. Ye sare word kya hote hain? Conjunctive adverbs jaise use hote hain. अब इनका रोल क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन द सेंटेंस. क्लॉजेस का क्या मतलब हुआ, क्लॉजेस क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन एडवर्ब क्लॉज एंड एडवर्ब फ्रेजेस. एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज जब पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि क्लॉज क्या होता है. व्हाट इज अ क्लॉज? मैम मे आई? यस प्लीज. Mam, group of words that do not have subject and they make incomplete sense. It is not proper sense like sentence, but it makes partially. Okay, yes, that is ek chota sa mistake ho gaya. Otherwise, it is all correct. ठीक है. Clause में क्या होता है? Clause में subject present रहता है. Okay. फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता है. फ्रेजेस आर जस्ट अ बंच ऑफ वर्ड्स दैट कैन दैट कंटेन्स पार्शियल मीनिंग. क्लॉज आर वेयर योर सब्जेक्ट एंड योर वर्ब इज प्रेजेंट, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कन्वे अ फुल मीनिंग. दे कंटेन ओनली पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ क्लॉज, सॉरी वर्ब प्रेजेंट इन योर क्लॉज. ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट यानी कि आपस में उन दोनों क्लॉजेस का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, मीनिंग होने का मतलब ये कुछ भी डाल रहे हैं, मीनिंग होने का सेम मीनिंग होने का मतलब ये नहीं कि जो चीज आपका पहला क्लॉज बता रहा है मीनिंग वही सेम चीज नहीं बताएगा आपका दूसरा क्लॉज. बट हो सकता है कि सेम इंसिडेंट के बारे में दो क्लॉज हैं, जो एक क्लॉज हो सकता है उसका टाइम के बारे में बता रहा है, एक क्लॉज हो सकता है उसका लोकेशन के बारे में बता रहा है. दैट मींस दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग अबाउट द सेम थिंग, सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर कनेक्टेड, और यू कैन से देयर इज अ कंजंक्टिव एडवर्ब प्रेजेंट टू कनेक्ट दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके,
इसका यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है तो मैं इसका एग्जाम्पल आपके लिए ले आऊंगी सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, यहाँ पर और एक चीज लिखी गई है दैट इट इज इट सर्व्स एज अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ट्रांजिशन का मतलब पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? What is the meaning of transition? Changes, ठीक है, changes जो होते हैं, transformation सुना होगा ना? Transformation मतलब क्या होता है? एक लंबे duration या फिर एक time duration के दौरान जो भी changes, जो continuous changes आ रहे हैं किसी चीज में. So transition का मतलब ये होता है कि जो पहला clause रहेगा आपका वो सेम, वो मतलब सेम इवेंट के बारे में वो कुछ मीनिंग जो कन्वे करना चाहता है, वो इवेंट या फिर वो जो भी मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन करेगा सेकेंड क्लॉज में थ्रू कंजंक्टिव एडवर्ब्स. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड विद द सेम वन. माय क्लासमेट्स यूजुअली लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, हाउएवर My classmate usually listens to classical music. However, he also likes jazz and rock music. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही इवेंट के बारे में बात की जा रही है. That means only about music you are talking. ठीक है, जो music एक बंदे को कौन सा music पसंद है? This is the main agenda of your the main message to convey via this sentence. ये सेंटेंस के थ्रू यही मैसेज कन्वे हो रहा है कि उसके क्लासमेट को कौन सा म्यूजिक पसंद है. सो फर्स्ट क्लॉज इज कि उसके क्लासमेट को यूजुअली वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता है. नाउ फर्स्ट क्लॉज क्या है कि वो क्लासिकल म्यूजिक सुनता है. ठीक है, सुन के क्या है क्या नहीं है उसको नहीं पता है यूजुअली, बस ये एक पार्शियल मीनिंग है कि वो क्लासिकल म्यूजिक यूजुअली सुनता है. However, he also likes jazz and rock music. Second part क्या है कि he also likes jazz and rock music. अब jazz and rock music पहली बात तो इसमें also आ रही है. That means आपको पहले ही पता चल जाएगा कि this contains partial meaning. Somewhere else you can find more meaning about this topic. ठीक है. Also लगा इसका मतलब कि इससे पहले कुछ discuss हो चुका है जो कि इसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ही ऑल्सो लाइक्स जैज एंड रॉक म्यूजिक, मतलब उसको जैज एंड रॉक भी पसंद है, उसके साथ साथ कुछ और भी पसंद है विच इज कन्वेड बाय द अदर क्लॉज. ठीक है, वो मीनिंग जो है वो अदर क्लॉज ने कन्वे किया. तो माई क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक, हाउएवर ही ऑल्सो लाइक्स जैज एंड रॉक म्यूजिक. ना मुझे ये बताइए कि however का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? What is the meaning that however is conveyed here? However यहाँ पर सिर्फ दो clauses के बीच में connection लगाने के लिए ही नहीं लगा है. There is a meaning why however is present in that part. However present है वहां पर किसी वजह से, तो वो क्या वजह है? What meaning is it conveying there? However का क्या हिंदी होता है? Can you translate? And it is whatever the meaning is. However का जो भी meaning है that is similar to moreover, nevertheless, furthermore. ठीक है, similar meaning है. ठीक है, therefore का मतलब आपको पता है कि कुछ हुआ इसीलिए ऐसा हुआ. फर्दर मोर मतलब ऐसा भी हुआ और ऐसा भी हुआ. ठीक है, ये तो हुआ ही, ऐसा भी हुआ. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब ये भी हुआ, उसके साथ साथ ये भी हुआ. तो हाउ एवर, मोर ओवर, नेवर द लेस जो है, नेवर द लेस मतलब कि वेन यू से टू थिंग्स, जैसे आपने कुछ बोल दिया. ठीक है, you are making one statement about something,
देन उसके बाद क्या बोल रहा है, नेवरदनेस लगाने का क्या मतलब हुआ कि ये हुआ था बट कोई बात नहीं, ये भी ऐसा भी हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स समथिंग नॉट गुड इज हैपनिंग, नेवरदनेस समथिंग गुड इज हैपनिंग, मच बेटर इज हैपनिंग, ओके। मोर ओवर का क्या मतलब हुआ कि ये भी हुआ और वो भी हुआ, ठीक है। सो हाउएवर एंड मोर ओवर आर बेसिकली यू कैन से मच सिमिलर टू ईच अदर देन मीनिंग बाकी सबसे। तो हाउएवर का मीनिंग भी वही हुआ कि ये उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, हालांकि वो जैज और रॉक भी सुनता है, ओके। दिस इज द मीनिंग, दैट इज दिस इज द ट्रांजिशन इट इज टॉकिंग अबाउट, कि ट्रांजिशन क्या हुआ इसमें कि वो यूजुअली क्या सुनता है से क्या पसंद है, ये ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। एनी डाउट इन कंजंक्टिव एडवर्ब्स, या समझ में नहीं आया किसी को अभी तक? समझ में आ गया सबको? यस मैम। मैम ये सारा वर्ड सिचुएशनल है ना, मींस कुछ सिचुएशन ही होगा। हाँ, सिचुएशन ही होगा क्योंकि कोई एक इवेंट है, कोई एक चीज हो रही है जिसके बारे में दो क्लॉज है, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने का क्या मतलब हुआ कि उससे भी कोई रिलेशन नहीं है पहले वाले का, कोई रिलेशन होने का मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग टॉपिक पे होगा। टॉपिक जैसे यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, एक ही क्लासमेट की म्यूजिक के क्या पसंद है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन दो चीजें हैं कि क्या वो सुनता है रेगुलरली और क्या उसको बोलता है। कि जैसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज योर फेवरेट म्यूजिक, तो आप बोल सकते हो कि यस क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं बट हमें हिप हॉप भी पसंद है, ठीक है, या फिर हमें जैज भी पसंद है, या फिर हमें मेटालिक भी पसंद है। तो वो जो चीजें हैं कि यूजुअली जो सुनते हैं, जो हमें ज्यादा पसंद है वो हमेशा सुनते हैं, और जो कभी कभी सुनने वाले म्यूजिक हैं। सो दीज आर टू इवेंट्स, एक जो आपको बहुत पसंद है, एक जो आप कभी कभी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मूड। सो वो टू इवेंट्स हैं। तो वो टू इवेंट्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के थ्रू आप कन्वे करेंगे और उसका कनेक्शन करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स से, ओके। चलिए, एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट्स, कि कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है? जो है यहाँ पर क्यों ऐसे साथ में लिखा हुआ है, बिकॉज देर आर सम वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब, दैट मीन्स दोनों चीजें हैं जो एक ही वर्ड को आप डिफरेंट फॉर्म में या फिर सेम फॉर्म में भी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह से भी, एडजेक्टिव के भी तरह से। ये मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा। सो बिफोर वी मूव ऑन, मैंने आपको होमवर्क दिया था एंड ओनली वन स्टूडेंट डिड इट, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो भी वर्ड्स यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं एज एन एडवर्ब, ठीक है, टाइप ऑफ एडवर्ब्स में जितने एडवर्ब आपको याद रहे हैं, ठीक है, वो सारे एडवर्ब को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, इन सारे वर्ड्स से आप सारे तो नहीं पर जितने भी बन सके, जितने भी आपसे बन सके, इन सारे से आप एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव इन सबको यूज करके सेंटेंस बना के मुझे नेक्स्ट क्लास सुनाएंगे, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्लेसमेंट, ओनली द प्लेसमेंट डिफरेंशिएट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इट रिप्रेजेंट। जो सेम वर्ड है उसका प्लेसमेंट और उसके साथ कोई और वर्ड एड हो जाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि जो सेंटेंस है उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, प्लस जो पार्ट ऑफ स्पीच वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेंटेंस में वो भी चेंज हो जाता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि विच पार्ट ऑफ स्पीच यू आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस,
इससे क्या हेल्प मिलेगा? जो भी क्वेश्चंस आपको पहचानने के लिए आएंगे, फर्स्ट यू हैव टू नो कि जो करेक्शन करने आएंगे ना क्वेश्चन, या जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाले या जो भी ग्रामेटिकल फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये जानना होगा कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में वो बात कर रहा है सेंटेंस में। उसके बाद आप उस पार्ट ऑफ स्पीच के सारे रूल्स रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये सेंटेंस में ये वाला वर्ब लगा है और सब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, नहीं है, उससे क्या रूल था, उसके साथ ये भी लगा है, इसके साथ क्या रूल था। तो उस हिसाब से ही फिर उसके बाद ही आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे या फिर करेक्ट कर पाएंगे जो एरर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड के बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो योर इट इज योर होमवर्क कि जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स आपने अब तक पढ़े हैं एज एन एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं इनको ट्राई करिए कि जितना ज्यादा हो सके आप उनसे एज एन एडजेक्टिव इनको यूज करके सेंटेंस बना सके। ऑलराइट, यस मैम, ओके।